रेखाबों पर जोर देकर खड़े हुए और कहा, भाई पूरे भाई की जंग नहीं देखी। ये वो वक्त था जब फौजें दूर दूर भाग गई। हुसैन रोने वालों मैदान में तनहा खड़े हैं। एक मरतबा फजा में आवाज आई, या अय्यतुहन नस्ल मुतमईना इरजा इला रब्बिके। हुसैन, ये जंग का हंगाम नहीं है। खुदा आपके आत्मों को सजदा के रुमाल में जगह दे। हुसैन वापस आ जा। इस आवाज का पुलन होना था कि हुसैन ने तलवार को नया में रखा, सर को झुकाकर बैठ गए। अब फौजे यजीद चार हिस्सों में तकसीम होकर आई। कहीं से तीर आए, कहीं से पत्थर आए, कहीं से नेवे आए, कहीं से मेरा मौला जख्मी होता चला, सर से पांव तक जख्मी। एक बटवा हुसैन ने सुलझना की गर्दन में पाहे डाल के एक जुमला कहा जो मकतब में मौजूद है। कहने लगे, सुलझना अकबर कहाँ है, वही मुझे उतार दे। हुसैन जमीन पर आए, हुसैन जमीन पर आए। इमाम ज़माना कहते हैं कि सलाम हो हमारा उस जिस्म पर कि जब वो घोर पीरों पर मौल लगा। जमीन पर आए हुसैन, रकाबों पर, हथेलियों पर जोर देकर अपने को बुला और फुरात की तरफ निगाह की। तीन मर्तबा कहा, सुनोगे, तीन मर्तबा कहा, वाह अब्बासा, वाह अब्बासा, वाह अब्बासा। फौज पड़ी के हुसैन को कत्ल करे। एक मर्तबा जुलजना ने हुसैन के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। अहले फौज ने चाहा कि जुलजना को कत्ल करे, पिछले साथ में पकड़ के, खबरदार ये रसूल की सवारी का जानवर है। हुसैन ने अपना अमामा उतारा, जुलजना की सीट पर रखा, तलवार हिमायत की, जुलजना की कदम में इशारा किया खैमे की तरफ। जुलजना खून हुसैन से अपनी पेशानी को रंगीन करके चला। जब घोड़े की टांगों की आवाजें सकीना के कानों में आई तो कहने लगी, बच्चों आ जाओ, मेरा बाबा पानी लेकर आ गया। इतने में फौज यजीद में शादियां पड़ने लगे। शहजादी जैनब घबराई हुई सज्जाद के पास आई, कहा, बेटा देखो, तड़फड़ाता हुआ उठा, खैमे का पर्दा उठाया, नौके नेता पे लिखा पड़ी क्यों।